नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में विश्व नर्सेस दिवस के अवसर पर मंगलवार को फ्लोरेंस नाइटेंगल के चित्र पर अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए याद किया और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस संबंध में मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आज के दिन ही 12 मई 1820 को अमेरिका में समाजसेवी फ्लोरेंस नाइटेंगल का जन्म हुआ था। मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बिना भेदभाव के मरीजों की सेवा करना उनकी पहचान थी। लालटेन लेडी के नाम से विश्वविख्यात फ्लोरेंस नाइटेंगल विश्व की पहली महामारी में भी मरीजों की सेवा के लिए हाथ में लालटेन लिए आधी रात को निकल पड़ती थी। उन्हीं की याद में विश्व नर्सेस दिवस मनाया जाता है। इस दौरान नर्सिंग अधीक्षिका वेरोना मैसी, सहायक नर्सिंग अधीक्षिका इंदिरा पांडे, मंदाकिनी दुबे, सुनंदा यादव, नर्सिंग ऑफिसर वासुकी नाथ तिवारी सहित अन्य स्टाफ व नर्सेज मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ स्टाफ नर्स संगीता पाठक और वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, लेकिन उन्होंने नर्सिंग सेवा ज्वाइन की 1850 में लंदन में और दुनिया की पहली स्टाफ में नर्स जो भी है नर्स थी और उन्होंने बहुत सेवा भाव से महामारी में लोगों की सेवा की, लैब में खोज खोज करके मरीजों की सेवा की और सबसे प्रथा चली आ रही है। हमारी नर्सें जो है सबको बधाई दे रहे हैं, सब मेहनत कर रही हैं, इस समय महामारी से जूझ रही हैं और हम यही आशा करेंगे कि हमारी जो है नर्सेज का प्रयास सही रहे, सारे जनता सुखी रहे, अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है और यह फ्लोरेंस नाइटेंगल स्टाफ नर्स के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आज 200वां इनका जन्मदिन है और इस विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के उपलक्ष्य में इनके कार्यों की सराहना करते हुए जो भी हमारे अस्पताल में स्टाफ नर्सें हैं उनको भी उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और जीवन में रक्षा में स्टाफ नर्सों का कितना योगदान है यह मानव समाज के लिए काफ़ी सराहनीय चीज़ है और इसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है।